सावित्री चौधरी अपनी कहानी सुना रही हूँ, जिसका शीर्षक है असली मनहूस। कभी कभी अचानक क्या का क्या घटित हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। उस दिन भी कुछ ऐसी ही घटना हुई। वर्की कार जनवासे से थोड़ी ही दूर थी कि तभी उसके बोनट से एकदम धुआं निकलने के साथ ही आग भभक गई। ड्राइवर की सूझबूझ से कार में बैठे वर, उसके माता पिता और छोटे भाई को तुरंत ही कार से बाहर सुरक्षित निकाल लिया। धू धू करती आग की लपटों ने दमकल के पहुंचने से पहले ही कार को भस्म कर दिया। बस फिर क्या था, हर तरफ कोलाहल सा मच गया। तभी बिजली भी गुल हो गई। सड़क के बीचों बीच जली कार के कारण रास्ते में वाहनों का जाम लग गया। चारों ओर गूंज रहे नाच गाने, बैंड बाजे और हंसी ठहाकों की जगह सन्नाटा छा गया। कार जल गई क्या करते, मुनि पर किसी का जोर नहीं चलता। शुक्र है कि कार में बैठे सभी सही सलामत बच गए। मन ही मन में सभी भगवान को अनेकानेक धन्यवाद दे रहे थे, जान बची और लाखों पाए। पर वर पक्ष वाले न जाने क्यों एकाएक गिरगट की तरह रंग बदलने लगे, एकदम ऐंठ से गए, किसी भी तरह से ब्याह के लिए माने ही नहीं। बेचारे लड़की के भाई अजीत ने बहुत मिन्नतें करी, हाथ जोड़े पैरों में पड़ा। रिश्तेदारों ने भी समझाया, पर समधी उदय जी तो और भी गुर्राकर बोले, ऐसी मनहूस लड़की को मैं तो अब बेटे से ब्याह कर नहीं ले जाऊंगा। शुक्र है कि हम तो बच गए, क्षमा करो, वैसे भी सगाई में सामान बहुत दिया है, एकदम कंडम। समधी जी, धन दहेज बह जाए, छाती कूटा रह जाए, आपने भी सुना होगा, मेरी बहन तो लाखों में एक है। देख लेना, आज के इस अपने गलत फैसले पर एक दिन जरूर ही पछताओगे, अजीत ने नरमाई से कहा। पर उदय जी पर तनिक भी असर न हुआ। वे तो फूफाते हुए बड़े भाई की कार में जा बैठे वर के साथ, बाराती भी जा बैठे बस में, यह जा वह जा। बेचारा वधु श्वेता का भाई हक्का बक्का खड़ा सोच रहा था अब क्या करना चाहिए। तभी अजीत की नजर अपने जिगरी दोस्त पर जा टिकी। उसे एक और बुलाकर बड़े दुखी भाव से विनती की, मित्र विकास, मेरी बहन विवाह के लिए तैयार हुई बैठी है। तुम जानते हो कि वह तो हर तरह से योग्य है, गुणों की खान है, बड़े अस्पताल में डॉक्टर लगी हुई है। यदि तुम आज अभी उससे शादी कर लो तो मेरी इज्जत रह जाएगी, वरना तो इतना किया धरा तामझाम और खान पान सब गुड़ गोबर हो जाएगा। कॉलेज में सहपाठी होने के कारण जब तब विकास अजीत से मिलने कभी कभी आता तो श्वेता को देखकर सोचा करता, कितना अच्छा हो यदि मित्र होने के नाते अजीत श्वेता का विवाह मुझसे कर दे। पर वह कभी भी अपने मन की बात जबान पर नहीं ला सका था। अचानक आज श्वेता से विवाह का प्रस्ताव सुनकर विकास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह तो मेहमानों की भीड़ में खड़ा सोच रहा था कि यदि मुझे कहें तो मैं खुशी से विवाह कर लूंगा श्वेता से। और आज तो अजीत कह भी रहा है। विकास ने हाथ के इशारे से माँ को एक और बुलाकर पूछा तो वह कहने लगी, बेटा अचानक कार जलने के कारण श्वेता को मनहूस बताना अंधविश्वास है उदय जी का। वे पढ़े लिखे हैं पर गुणवान नहीं है। बस फिर तो विवाह के गीत गाने, बैंड बाजे और हंसी ठहाके के स्वर फिर गूंजने लगे। झटपट फेरे भी हो गए। विकास और उसकी माँ के तुरंत किए फैसले की लोगों ने बहुत तारीफ की। इतने भले इंसान आज के युग में तो खोजने से भी कहाँ मिलते। श्वेता के हृदय में भी खुशी के घोड़े भाग रहे थे, क्योंकि उसे तो विकास हंसमुख स्वभाव के कारण पहले भी अच्छा लगता था,
अब तो वह खुद को सौभाग्यशाली समझ रही थी। एक कंपनी का मालिक, मनचाहा पति मिल गया, धन्य घड़ी धन्य भाग। श्वेता अस्पताल जाने से पूर्व और वापस आकर घर के कार्य फुर्ती तथा कुशलता से करती, सादगी से सजा संवार कर रखती घर को। उसे सलीके से काम करते देख सास सोचती, न जाने किस पुण्य के प्रताप से इतनी कमीरी कमाऊ और सेवादार बहू मिली है। हृदय बाग बाग एकदम लट्टू। समय तो उड़ता पक्षी है, उड़ता ही गया। एक दिन श्वेता अस्पताल से 3 बजे घर आ रही थी तो आग सी धधक रही सड़क पर एक कंकाल से वृद्ध मुर्दे को पड़ा देखकर उसने कार रोकी। नीचे उतरकर उसकी नब्ज देखी, बहुत धीमे चल रही थी। तभी उसकी नजर वृद्ध के चेहरे पर पड़ी, वह पहचान गई, ये तो उदय जी हैं जो 7 साल पहले मुझे मनहूस बताकर बेटे की बारात वापस ले गए थे। पर इस गंभीर दशा में इन्हें छोड़कर जाने का अर्थ है इंसानियत का अपमान करना। अतः पास से जा रहे एक युवक की मदद से कार में लेटाकर उन्हें घर ले आई, फिर मौसमी का जूस पिलाया, दवाइयां दी और कहा अब आप आराम करें। फिर कमरे से बाहर आ गई और सास को पूरी बात बता दी। तुमने बहुत ही नेक काम किया श्वेता बेटी, करे सो भरे, हम क्यों अपना मन मैला करें। सास ने उसकी सराहना करते हुए कहा, तुम्हारा फर्ज है इंसान की जान बचाना, फिर चाहे वह जानी दुश्मनी क्यों ना हो। श्वेता मन में कहती, उस दिन बेटे की बारात बैरंग ले जाकर उदय जी ने बड़ा अच्छा काम किया था, वरना तो मुझे भी इनके उस कपूत के कारण दुख झेलने पड़ते जो आज अपने पूरे कर्मों के कारण जेल में सड़ रहा है और अपने अंधविश्वास के कारण उदय जी भी कहीं के न रहे धन दहेज के भूखे। जिस बड़े घर की बेटी को बेटे से विवाह कर लाए थे वह तो अपना धन दायजा समेट कर जाती रही तलाक लेकर, अब वे पड़े हैं एक वृद्ध आश्रम में। श्वेता उदय जी को धन्यवाद देती अपने मन में। वह जब तब अंधविश्वासी लोगों को समझाती रहती है कि बिल्ली आगे से निकल गई, कहीं जाते समय किसी ने छींक दिया, सामने कोई खाली घड़ा लेकर आता दिख जाए, तो ऐसी बातों से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अंधविश्वास तो एक प्रकार से मन का रोग है जिससे छुटकारा पाने के लिए समाज में चेतना जगाना जरूरी है। श्वेता और विकास के जाने के बाद उमा जी दुख सुख की दुनियादारी की बातें करती थी, उदय जी को समझाती थी, बीती बातों को भुलाकर ही हम सुख शांति से बुढ़ापा बिता सकते हैं। एक दिन उदय जी ने कहा, अब मैं ठीक हूँ। उस दिन बहु श्वेता मुझे उठाकर नहीं लाती तो 2 घूंट पानी को तरसते हुए गर्मी के मारे सड़क पर ही मर जाता तड़पता हुआ। श्वेता बेटी, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। तुम्हें विवाह के लिए सजी समरी को मनहूस बताकर अंधविश्वास में डूबा मैं बारात वापस ले गया था, जबकि असल मनहूस तो मैं हूँ। मैं लालच और अंधविश्वास ही मेरी बर्बादी के मूल कारण है। अब तो मेरा कोई अपना नहीं है, न कोई संगी साथी है, न जाने कितने बुरे हाल में प्राण निकलेंगे मेरे। कहते हुए उनका गला रुंध गया, बात पूरी न कर सके। मेरे साथ किए बुरे व्यवहार की सजा, वह भी उम्र कैद तो भुगतनी पड़ेगी आपको। यही इस घर में रहकर आपकी पैरवी, आपकी हिमायत करने वाला तो कोई भी नहीं है जो आपका बचाव कर सके, आपका पक्ष ले सके। मैं तो बदला जरूर लूंगी आपसे, श्वेता ने कटुता भरे स्वर में कहा। तो उदय जी के चेहरे पर कालिमा छा गई, कलेजा धक से रह गया, शरीर कांपने लगा। विकास और उसकी माँ ने बड़े आश्चर्य से श्वेता की ओर देखा। आज क्या हो गया श्वेता को, कैसे गोली मार स्वर में बोल रही है। इंसान के मन की चाशनी संविधाता भी नहीं परख सकता, कभी कड़वी तो कभी मीठी, एक पल में खट्टी तो अगले पल में फीकी।
सभी नमकीन तो अगले ही पल कसैली, एक नजर में पतली तो दूसरी नजर में गाढ़ी, पल में शीतल पल में गर्म। जब अपने ही मन का पता नहीं लगता तो फिर दूसरे के मन को जानने समझने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तभी तो वे दोनों माँ बेटा चकराए से श्वेता की ओर देख रहे थे। उदय जी भी दुख के मारे दोनों हाथों से सिर को थामे हुए, नीची गर्दन किए हुए, मानो जमीन में गड़े से जा रहे थे। अजी डरिए नहीं, उम्र कैद से मेरा मतलब यह है कि अब हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि मेरी सासू जी को आपके संग साथ की जरूरत है। श्वेता अचानक आत्मीयता और आदर भाव से बोल पड़ी। इंसान को मौसम की तरह बदलना ही चाहिए, पेड़ों की तरह तनकर खड़े रहने में कोई अकलबंदी कोई समझदारी नहीं है। रात गई बात गई, ऐसा सोचने में ही भलाई है, सुख शांति है। उसकी बातें सुनकर वे बार बार श्वेता को स्नेहपूर्ण आंखों से देखने लगे। वह आज तो उन्हें देवी नजर आ रही थी, अब तक उन्होंने उसकी बाह्य सौंदर्य सेवा ही देखी थी, आज वह उसका आत्मिक सौंदर्य भी देख रहे हैं। उम्र कैद का मतलब सुनकर उनका वर्णहीन चेहरा वैसे ही खिल गया जैसे वर्षा के बाद पेड़ों की पत्तियां खिल जाती है। दुख और पश्चाताप से सिमटा शरीर फैल गया, गालों की झुर्रियां मिटती दिख पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका कायाकल्प हो गया, हृदय उछलने लगा, आंखों से टप टप कर आंसू जमीन पर गिरने लगे। वे रोकर श्वेता से माफी मांगना चाहते थे पर कुछ भी न बोल सके, किंतु मन ही मन में कहने लगे, उस दिन न जाने क्यों मेरी अकल मारी गई थी, जो ऐसी सुलक्षणा देवी दया जैसी बहू को मनहूस बताकर बेटे की बारात बैरंग वापस ले गया था। विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है, सही कहते हैं लोग।